दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के तहत आने वाली बम्पर भर्ती के बारे में। आपको बता दें, बिहार में लगभग जो है आपको 40,509 सीटों पर हेड टीचर, प्राइमरी स्कूल के जो भी टीचर होते हैं, जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप रजिस्ट्रेशन डेट देखेंगे, 9/9/2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसका अंतिम तिथि जो रखी गई है 23/9/2022 तक रखी गई है। तो कैसे इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, जिसकी पूरी जानकारी लाइव डेमो के साथ आपको दिखाएंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि पूरी जानकारी आपको डिटेल में समझ में आ पाए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके लिए हम प्रॉपर काम करते रहे और जो भी वीडियो हो आपके लिए हम प्रोवाइड किया करें। और यहाँ पे देखेंगे, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हेड टीचर के लिए, वो खुलकर आएगा। सारी जानकारी हमने ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। वो सारी जानकारी आप बिल्कुल फ्री में और हिंदी में पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट जॉब में देखेंगे, जितने सारी वैकेंसी चल रही होती है सबकी अपडेट आपको मिलती है। तो प्रॉपर आप इस वेबसाइट को हमेशा विजिट करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे हम आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो सारी अपडेट हम इस वेबसाइट पे उपलब्ध करा देते हैं आपके लिए। तो आप आकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीपीएससी हेड टीचर के जो भर्ती निकाली गई है, करीब 40,506 पदों पे, जिसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक आर्टिकल खुलेगा, जिसमें हमने पूरी जानकारी बताया है कि कैसे आवेदन करना है और कब से कब तक होगा, कितना आपको फी देने पड़ेंगे, वो पूरी प्रोसेस आप यहाँ पे आकर समझ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक यहाँ भी प्रोवाइड कर दी गई, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं कैसे इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। सारी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, अभी लगातार अपने चैनल पे काफ़ी सारे जॉब से जुड़ी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे बहाली के लिए वीडियो बनाया गया। जैसे 10वीं पास अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा भी अगर ग्रेजुएशन है तो आप SBI में कलर के जो बहाली निकाली गई उसको आप अप्लाई करेंगे। वही BPSC में जो असिस्टेंट के लिए बहाली निकाली गई, जिसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सैलरी काफ़ी बेहतरीन है। तो लगातार आप इस चैनल को फॉलो करिए और बहुत सारे योजनाओं का लाभ आप एक ही चैनल से प्रोवाइड कर पाएंगे। आइए जानते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जो भी जानकारी डालेंगे आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम होगा, आप अपना नाम फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम जो होगा इस कॉलम में, और लास्ट नेम जो होगा इस कॉलम में डालेंगे। साथ ही पिताजी का जो भी नाम होगा यहाँ पे डालेंगे। यदि किसी महिला का फॉर्म भर रहे हैं या किसी फीमेल का भर रहे हैं, तो उनका जो हस्बैंड का नाम है उनको भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे उनके माताजी का जो भी नाम होगा आपको डालना है। और यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ वर्किंग टीचर में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ वर्क करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था जो है उसके अंतर्गत अगर कार्यरत है टीचर के पद पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं तो वो किसी CBSE स्कूल में या कोई ऐसे विद्यालय में पढ़ाते हैं जो प्राइवेट है और मान्यता प्राप्त है, तो उस केस में आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, जो भी डेट होगा सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मंथ होगा सेलेक्ट करेंगे, और जो भी आपका ईयर होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका शादी हो चुका है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। नीचे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है तो जेंडर का चयन करें, आधार नंबर आपके पास अवेलेबल है तो उसको डालें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इंडिया के निवासी है तो यस करेंगे, और यदि आप बिहार के प्रॉपर निवासी है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर बिहार से बाहर से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको नो पे क्लिक करना और आपका जो काउंट होगा जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे, और जो भी आपका कैटेगरी होगा उसको इस प्रकार चयन करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को चयन करेंगे। जो भी कास्ट का नाम होगा, जो कि आपके सर्टिफिकेट होगा, उसको आपको डालना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यदि आपके पिताजी या आपके दादाजी अगर फ्रीडम फाइटर से आ रहे होंगे तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार के फिजिकल डिसेबिलिटी आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। नो करेंगे तो ये जानकारी आपको नहीं डालनी है। अगर यस करेंगे तो किस प्रकार के विकलांगता है, और मिनिमम आपको जो है 40% विकलांगता होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि SC ST डिसेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे जब यहाँ पे यस नहीं करेंगे तो ये जानकारी आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट
एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस डालेंगे। जैसे एड्रेस वन में अपना विलेज को डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस डाल सकते हैं, और एड्रेस थ्री में पुलिस स्टेशन को डाल सकते हैं। फिर यहाँ से आपका स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद देखेंगे नीचे में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसका भी लिस्ट आ जाएगा, उसको चयन करेंगे, अपना पिन कोड को डालेंगे। उसके बाद यदि किसी का करस्पोंडेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो आप एस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे वो जानकारी भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि जो इस बहाली के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसका क्वालिफिकेशन और जो भी इसका नोटिफिकेशन है उसको आपने पढ़ा है और इसका जो क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो यहाँ पे एस करेंगे। नीचे देखेंगे आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वो ईमेल आईडी डालेंगे, एक ऑप्शन मिलता है गेट ईमेल कोड, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे कोड भेजा जाएगा, उस कोड को डालेंगे। साथ ही आपके नंबर पे भी डालना है, नंबर पे भी ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को डालेंगे, और सेंड करने के बाद डालने के बाद इस कैप्चा को यहाँ डालना है। फिर एक ऑप्शन आपको मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है और आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहीं पे आपको दे दिया जाता है, जिसको आप चाहे तो कॉपी करके या इसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं। उसके बाद दोबारा से इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, जो आईडी पासवर्ड अभी मिला है उसको डालेंगे और कैप्चा को डालकर लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है इस प्रकार लॉगिन होता है और यहाँ पे सारा जानकारी आपका देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे अभी एक ऑप्शन आपको मिलता है, अभी भी कोई डिटेल आपको लगता है इस इन्फॉर्मेशन में कोई गलत है तो जिसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म को आगे बढ़ाना तो जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा, जो भी आपके कैटेगरी के अनुसार जितना पेमेंट लगेगा वो देखने को मिलेगा, और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पे क्लिक करेंगे और ओके वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पर। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तीन ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है पे नाउ का, जिस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, उसका किनके नाम से कार्ड है उनका नाम डालना है, उनका जो भी एक्सपायरी मंथ ईयर और सीवीवी नंबर है जिसको डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पेमेंट कंप्लीट होता है, 10 सेकेंड वेट करेंगे तो आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, आप चाहे तो इसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको फॉर्म फिलअप करना है तो बैक टू डैशबोर्ड का जो ऑप्शन मिलता है जिस पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपका सारा डिटेल देखने को मिलता है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ऊपर में देखेंगे टाइमिंग चल रहा है, 20 मिनट के अंदर में इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यहाँ पे कुछ जानकारी आपने जो फॉर्म भरते समय डाला था वो सभी आपको देखने को मिलता है, आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे बोला जाता है आप बिहार सरकार के सेवक हैं तो इसनो में बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप एस करेंगे तो किस पोस्ट पे आप काम कार्यरत है उसकी जानकारी बताएंगे, नो करेंगे तो ये जानकारी नहीं भरना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसकी जानकारी आपको एस नो में बतानी है। आपको सिंपली क्या करना है, सारा जानकारी देख लेना है, नीचे आपको आना है, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना होगा, क्वालिफिकेशन में इस फॉर्म को भरने के लिए टीचर का ये पद है तो यहाँ पे देख लीजिए, उसके अलावे आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझाते हैं कि कैसे क्वालिफिकेशन आपको डालने हैं और कैसे इसको आगे बढ़ना है, करेंट कितने किस पैलेस पे आप काम कर रहे हो वो सारी जानकारी देना है। जैसे अगर आपके पास DL.ED अगर आपने किया है या BT किया है या BEd किया है या BA ED किए हैं, BSc ED किए हैं, BL ED किए हैं, तो इसमें से कोई सा एक कोर्स किया है उसका आपको सारा जानकारी देना, फिर ग्रेजुएशन, इंटर और उसके बाद मैट्रिक का भी आपको जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट इसमें से कोई भी कोर्स किए है तो उसके तहत कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। जैसे अगर मान लीजिए आपने BEd ही किया है तो BEd में आपने क्या क्या लिया था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा भी जो जो सब्जेक्ट था उसकी जानकारी डालेंगे। और यहाँ पर सेशन डालना है, सेशन समझिए, जैसे अगर मान लीजिए आपने BEd जो किया 2016 से 18 के बीच में किया, क्योंकि BEd 2 साल का कोर्स है, कोई DL.ED किया है तो DL.ED 1 साल का है तो 1 साल वाला है तो आप उसकी जानकारी बताएंगे क्या सेशन है। तो इस अकॉर्डिंग जैसे अगर मान लीजिए कोई 2010 से 12 उनका सेशन, तो 2010/2012 डालेंगे, इस अनुसार आपको सेशन को डालना है। फिर आपको जो भी
पासिंग डेट है जिसकी जानकारी डालना है, किस साल आपने पास आउट किया, वो ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का आपको नाम डालना है, साथ ही आप देखेंगे किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है उसकी भी जानकारी आप डालेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपसे मार्क्स पूछा जाता है कि मार्क्स आपका कितना आप आया है, ऑप्टेन मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप बताएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपका जितना भी आया है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे फुल मार्क्स पूछा जाएगा। तो इस प्रकार इस सभी क्वालिफिकेशन को आपको ऐड कर लेना है। नीचे आएंगे, आपसे बोला जाता है, पूछा जाता है कि इसके लिए जो टीचिंग के लिए जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पे आपको बतानी होगी कि हैविंग क्वालिफिकेशन टीचर, अगर आपके पास इसका जो एलिजिबिलिटी अगर पूरा करते हैं, अगर यहाँ पे नो करते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है। टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आपसे बोला जाता है कि किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, हैविंग मैक्सिमम 8 ईयर रूरल सर्विस एज बेसिक ग्रेड टीचर पंचायत लेवल पे, अगर आपने टीचिंग का काम किया है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, तो आप वो आप बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ग्रेजुएट टीचर होंगे जो कि पंचायती राज के तहत किसी ग्रामीण क्षेत्र या किसी शहरी क्षेत्र में भी काम किए होंगे, तो वो सेकेंड ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद पोस्ट का नाम, जैसे आपने किस पोस्ट पर काम किया है, टीचर अगर आपने था जो भी सब्जेक्ट का था तो वो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही नेम ऑफ डिपार्टमेंट, किस जगह पे आपने काम किया था, फ्रॉम यानी आपने कब ज्वाइनिंग वहाँ किया था और कब से कब तक आपने काम किया था वो बताएंगे, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या था उसकी भी जानकारी आप बताने। तो इस प्रकार इसको ऐड करेंगे, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे कितने साल आपने काम किया, जैसे 3 साल 11 मंथ 12 दिन जितना भी आपका पूर्ता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे नीचे आपसे करेंट वर्किंग जो भी पैलेस है उस स्टेट का आपका जो भी नाम होगा उसको आपको चुन लेना है, साथ ही किस जिला पे में आपने काम किया है वो जिला को चुनना है, और नीचे में एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है जिस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का ऐसा मार्क्स है जिससे आपको प्रमाणित किया जा सकता है तो उसको मेंशन करेंगे, अन्यथा नो मार्क्स आप लिख सकते हैं। नीचे आना है, आपको फोटो अपलोड करना है जिसका सारा गाइडलाइन बताया गया कि फोटो आपका 25 के भी तक होगा, सिग्नेचर 15 के भी तक होगा, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में अपलोड करना है। तो ये दोनों को अपलोड करेंगे, फिर आप नीचे देखेंगे आपको कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे जो PDF फॉर्मेट में होगा, जिसका जो साइज बताया गया कि 1 MB तक होगा। डॉक्यूमेंट आपका मैट्रिक का मार्कशीट होगा जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा, और इसके लिए नोटिफिकेशन को देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता में आपको सारी जानकारी बताएगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको देने पड़ेंगे। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन का लिस्ट है, ये सभी क्वालिफिकेशन आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप इसमें जो लागू आपके साथ हो रहा है तो वो आप दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जैसे कोई डिसेबल है ही नहीं, कोई EWS से आता ही नहीं है, तो वो ज़रूरी नहीं है को आपको देना है। आपके पेरेंट फ्रीडम फाइटर से नहीं है तो ये सर्टिफिकेट आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसका आप जो है प्रीव्यू देख लेंगे, जो भी जानकारी आपने डाला वो सही है या नहीं है, उसके बाद ही आपको सबमिट वाले पे आना है। सबमिट जैसे ही करेंगे बोला जाएगा श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, तो इस प्रकार आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट होता है, और आपको बोला जाता है कि आप इसको रीलॉगिन करके इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं, जिसके लिए रीलॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और यहीं से इसका प्रिंटआउट जो है आप ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार बड़े आसानी से बिहार हेड टीचर की भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी राज्य से आते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बिहार टीचर भर्ती के लिए इससे पहले फॉर्म को निकाला गया था उसी फॉर्म को अप्लाई किया गया, डेट को बढ़ाकर फिर से अप्लाई के लिए डेट दिया गया। तो जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको अप्लाई करना है, जो नहीं किया वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो में कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, और सारी जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर आइए और सारी जानकारी को रीड करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।